दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि SBI कलर का प्री के एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट ने SBI कलर का एग्ज़ाम भरा था तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो SBI की तरफ से SBI प्री का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कब से आज से आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और कब तक ये आखिरी डेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आपकी। और तो चलो इस और देखते हैं कि आप डायरेक्ट मोबाइल से इस को एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा डायरेक्ट, जिससे आप डायरेक्ट साइट पे पहुंच जाओगे SBI की ऑफिशियल और आप डायरेक्ट वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है या आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उस पर ओपन कर लेना उसको। उसके बाद दोस्तों आपको SBI क्रेडिट डालना होगा। SBI क्रेडिट डालने के बाद दोस्तों आपको इस पर प्रेस करना होगा। इस पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये ऐसे ही वेबसाइट खुल जाएगी, ये पॉपअप खुल जाएगा। तो आपको उसको कटस कर देना होगा, फिर नवीन घोषणा लिख रखिए उस पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपके आगे चलना होगा। दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है जूनियर एसिस्टेंट और यहाँ पे लिख रखा है, मैं भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लिख रखा ऑनलाइन क्वालिटी, इस पर डाउनलोड करना होगा आपको। इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों मोबाइल पे आपके ये हॉरिजॉन्टल मोड पे नहीं करता, आपको लैंडस्केप करना होगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो पहले इसको डेस्कटॉप मोड पे ले जाते हैं। दोस्तों इस पर आपको टिक कर देना होगा। अब इसको लैंडस्केप मोड पर ले जाते हैं। दोस्तों आप लैंडस्केप मोड करने के बाद आप डायरेक्ट इस नई विंडो खुल जाएगी। आप फिर आपको सामने SBI कलर की आप यहां देख सकते हो कि आपके सामने एडमिट कार्ड का ऑप्शन ओपन हो चुका है। और दोस्तों यहां पर लिख रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जो आपने ये वैकेंसी आई थी SBI कलर की। दोस्तों देखो यहाँ पर लिख रखा है रिक्रूटमेंट और यहाँ लिख रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि कब से आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने की डेट दिख रखी है। बाहर करके दिखा देते हैं, यहाँ लिख रहा है कमिशमेंट ऑफ कॉल लेटर डाउनलोड 28/5/2019, मतलब आज से ही आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और क्लोजर और लास्ट डेट कब तक है कॉल लेटर डाउनलोड करने की, तो है 23 जून 2019 तक है। और दोस्तों अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। अगर हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक करना, इस पर इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश पे क्लिक करना। उसके बाद जिसमें भी आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो उसी लैंग्वेज में आपके कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड दे रखा है जो आप कहेगा वो डालना होगा। और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी, उसमें आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और उसको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों चलो मैं ओपन करके बता देता हूँ किस प्रकार करना है। तो दोस्तों मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। दोस्तों मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिए, मैं इंग्लिश में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताऊंगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक कर देना, मैं इंग्लिश में करता हूँ डाउनलोड। तो इंग्लिश में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने होंगे। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे वो डाल देने होंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलत डाल देते हैं जिससे उनका एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो पाता। तो मैं आपको बता देता हूँ सही तरीका डेट ऑफ डालने का। सबसे पहले अगर आपकी मान लें आपकी जन्मदिन आता है 30 तारीख को, तो आप 30 डालना, उसके बाद डेट लगाना। उसके बाद अगर पाँचों महीना आपको अगर मई में आता है जून में आता है, अगर मई में आता होगा तो आपको डालना होगा 05, उसके बाद फिर डेट लगाना। उसके बाद आपका 96 में आता है, 97, 98 में आता है, मान लीजिए 98 में आता है आपका जन्मदिन या 97 में आता है तो 97 डाल देना होगा, ऐसे डालना होगा। पर इस पैटर्न के अनुसार डालना होगा जब भी आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा। पहले आपको तारीख डाल देनी होगी जब आता है, उसके बाद डेट लगाना होगा, उसके बाद जीरो और जो जिस भी महीने में आता है वो महीने डाल देना होगा, उसके बाद फिर डेट लगाना होगा। उसके बाद जिस सन में आपका जन्म डाल उसके लास्ट के दो डिजिट आपको डालने होंगे, है ना। तो दोस्तों उसके बाद जो आपके सामने कैप्चा कोड आएगा वो डाल देना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर। दोस्तों मैंने कैप्चा कोड डाल दिया है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कर दिया है मैंने। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश में ओपन किया था, तो दोस्तों मेरे सामने देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
वो एडमिट कार्ड जरूर चुका है। जो मैंने फॉर्म भरा था SBI पीली कलर का, तो उसका फॉर्म उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे डेट दे रखी है, मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 23 तारीख को, आप देख पाएंगे 22/6/2019 को मेरा एग्ज़ाम है। मैं दिखा देता हूँ, 22/6/2019 को मेरा एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे। और दोस्तों यहाँ पे डिटेल दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखे कि आपको एग्ज़ाम देने समय क्या क्या लेके जाना है, कौन सी आईडी लेके जानी है, आपको एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या लेके जाना है, उसे भी आपको दे रखा है इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।